गाइस आप सबका स्वागत है ICF कोच मॉडल के पार्ट 3 वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग ICF कोच मॉडल का जितना भी बचा कुचा इनकम्प्लीट काम था उसको मैंने ये पार्ट 3 वीडियो में कंप्लीट करके दिखा दिया है। इसी के साथ साथ आज का पार्ट 3 वीडियो इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये ICF कोच मॉडल का लास्ट पार्ट वीडियो है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये पार्ट 3 वाले वीडियो में ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी भरा काम नहीं है, तो इजी काम है। खाली आप लोगों को वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो का गैंगवे बनाने के लिए, मेरा मतलब ICF कोच का गैंगवे बनाने के लिए, हम लोग को इस तरह के माउंट बोर्ड के डबल लेयर्ड वाले पीसेस काट लेने हैं। काफ़ी छोटे छोटे पीसेस है जिसका मोटाई है 2 mm। तो इस तरह के माउंट बोर्ड के पीसेस काट के आप लोगों को फेविकॉल ग्लू की मदद से पहले इस तरह से कुछ स्टिक कर लेना है। इसके बाद इसके तीनों साइड में थोड़ा प्रॉपर फिनिशिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर स्ट्रिप को काट के हर जगह पे लगा दिया था ताकि इसको थोड़ा संस्कारी लुक मिल जाए। वैसे ये बात तो सबको पता है हा? इसके बाद हम लोग अपना ICF कोच मॉडल लेंगे, इसके एंड साइड में थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके फेविकॉल ग्लू लगाएंगे और जो हम लोगों ने अपना गैंगवे बनाया था उसको इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो अभी ICF कोच को कलर करने के लिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक्लेरिक कलर करते हैं, तो मैंने फैब्रिका का एक्लेरिक कलर यूज़ किया है। तो 20 रुपये का शीशी आता है, आप लोगों को किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। तो अभी इसको कलर करने के लिए मैंने इसके साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया था, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, पर ICF में उतना ज़्यादा डार्क नहीं होता है। तो हल्का सा वाइट कलर मिक्स किया, सोचा कि थोड़ा लाइट हो जाए तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो अभी मैं पूरे कोच को ब्लू ब्लू कलर में पेंट कर दूंगा। हाँ भाई, ब्लू ब्लू कलर। इसके बाद आप लोग देख सकते हो हमारा कोच कितना मस्त लग रहा है, पूरा ब्लू कलर में मैंने पेंट कर दिया है। अभी आप लोग देख सकते हो रूफ के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डेंट पड़ गया था, तो मैं पेपर के छोटे छोटे पीसेस काट के वहाँ पे लगा दिया है। अभी हम लोग रूफ को कलर नहीं करेंगे, कवर करेंगे, पेपर को रैप करके इसके ऊपर हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने पहले ही पेपर को ग्रे कलर में पेंट करके काट लिया है, पर उसके पहले हम लोग रूफ का विथ मार्क कर लेंगे कितना विथ है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरह का एक पेपर स्ट्रिप काट के इस कोच के ऊपर कुछ इस तरह से उंगलियों की मदद से प्रेस करके टाइटली पकड़ना है, और एक साइड में आप लोगों को पेंसिल से मार्क कर लेना है। इसके बाद ये मार्किंग के बाद आप लोगों को रूफ़ के दूसरे साइड आना है और यही मेजरमेंट चेक करना है ताकि ये बराबर है कि नहीं हर जगह से। इसके बाद हम लोग को स्केल से मेजर करना है और इसका जो विथ है वो है 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर वाले विथ का एक पेपर स्ट्रिप काट लेना है, कुछ इस तरह से बड़ा सा स्ट्रिप काटना है, और इसको हम लोग रूफ़ के ऊपर लगाएंगे। रूफ़ के ऊपर ये पेपर को रैप करने से पहले हम लोग पेपर के एक एज में इस तरह का फेविकॉल ग्लू को लगाएंगे और एक साइड में इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हम लोग धीरे धीरे करके स्टिक करेंगे। आप लोग को ध्यान रखना है कि एक बार में पूरा ग्लू नहीं लगाना है, नहीं तो ये पेपर रैप करते करते पूरा ग्लू सूख सकता है। तो इससे अच्छा आप लोग क्या करें कि पेपर को थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाए और आराम से इस ऊपर वाले पेपर के रूफ़ को रैप करें, तभी अच्छा रहेगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो हमारा रूफ़ कैसा लग रहा है। एक बार स्टिक करने के बाद आप लोगों को 1 घंटा कड़े धूप के नीचे एक बार रख देना है ताकि ये और अच्छे से सूख जाए अंदर से। फिलहाल मैंने अभी बम्प वाला पोर्शन ही कवर अप किया है। इसके बाद जो कोच का साइड बचा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर साइड्स में भी मैं पेपर से कवर अप कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा कोच लग रहा है, इसका रूफ लग रहा है। और इसी के साथ साथ हमारे ICF कोच का ब्लू ब्लू कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो एडवांस में एक लाइक भी दबा देना, क्योंकि लाइक तो ज़रूरी है ना। अभी हम लोग आ जाते हैं कोच के नीचे वाले एरिया में। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बोगी कैसे फिट करना है, सिंपल काम है। मैंने इस तरह के माउंट बोर्ड के पीसेस लगाए थे तो उसके ऊपर ही मैं इस बोगी इसको लगा दूंगा। तो कुछ करना नहीं है, स्क्वायर माउंट बोर्ड के पीसेस को काटना है, कुछ 4 mm मोटा पीस काट के, डबल पीस काट के ऐसा लगा देना है दोनों साइड में और बीच में होल कर देना है स्क्रू के लिए, और इस तरह से हम लोग बोगी को स्क्रू से लगा देंगे, बस ख़त्म। अभी जो ICF कोचेस का एक सिग्नेचर स्टाइल रहता है जो इसको गोलू मोलू मोटू सा कोच जैसा बनाता है, गोलू मोलू किसको बोला रे, वो रहता है इसके नीचे के बॉक्सेस, जितने भी भरे हुए बॉक्सेस रहते हैं, बैटरी बॉक्स रहते, सिलेंडर रहते, उसी के कारण से ये ICF कोचेस बहुत मोटे तगड़े जैसे दिखते हैं।
तो उसी को हम लोग बना लेते हैं। उसके पहले मैंने इस तरह से माउंट बोर्ड के रेक्टेंगल शेप के बॉक्सेस काट लिए हैं। इसका जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और विथ है 6 मिलीमीटर। अभी जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स है उसके एक तरफ हम लोग को फेविकॉल ग्लू लगा लेना है और इसके बाद इसको कोच के बॉडी के राइट साइड में जहाँ पे बोगी लगाया है ठीक उसी के बाजू में कुछ इस तरह से लगा देना है। दूसरे वाले बॉक्स को भी इसके ऑपोजिट में ही लगाना है। इसके बाद हम लोग कोच का ऐसी यूनिट बना लेते हैं जो काफ़ी मज़ेदार काम है और इजी भी है। तो उसके लिए आप लोगों को टूथपेस्ट बॉक्स का कार्डबोर्ड चाहिए जिसको मैंने अपर साइड में ग्रे कलर से पेंट कर लिया है, लाइट ग्रे से पेंट किया है। और इसके बाद कुछ इस तरह से एक लाइन खींच देना है। तो एक लाइन खींचने के बाद यहाँ से आप लोगों को 7 mm मार्क कर देना है दोनों साइड में। और 7 mm मार्क करने के बाद कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 भाग मैंने बना दिया है और ऊपर साइड में मैंने एक और पार्ट बनाया है। अभी जो इसके साइड वाले पोर्शन थे उसके मिडल में से मैंने इस तरह के पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने एक ब्लैक मार्कर पेन लिया है और इसके ऊपर से एक आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि ये अच्छे से शो हो, मतलब अच्छे से डिटेलिंग निकल के आए। तो तब तक आप लोग ये पार्ट को ध्यान से देखिए, मैं आपसे मिलता हूँ इसको बनाने के बाद। तो जैसा कि एक एसी कोच के ऊपर 2 AC यूनिट रहते हैं तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 AC यूनिट्स बना लिए हैं। इसके बाद ये जो AC यूनिट्स के शेप से उसके दोनों साइड्स में थोड़ा सा आप लोग को बेंड कर देना है और जो मिडल वाला पोर्शन है उसके बीच में एक कार्डबोर्ड का एक और लेयर लगा देना है ताकि इसको एक सर्टन हाइट मिल जाए। जब आप इसको कोच के ऊपर लगाओगे तो उस तरह से एक लेवल में रहना चाहिए, वॉल्यूम जैसा रहना चाहिए ताकि ऊपर से देख के लगे कि ये एसी यूनिट फोल्डेड पोर्शन में है। तो इसके बाद हम लोग अपना कोच ले लेंगे और इसके बाद जो हम लोगों ने एसी यूनिट का एरिया था ठीक वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा खाली फेविकॉल ग्लू लगाना है अच्छे से, मिडल वाले एरिया में भी अच्छे से ग्लू लगा देना है। इसके बाद जो एसी यूनिट है किस पोजिशन में मैं इसको लगा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। तो ठीक इसी पोजिशन में आप लोगों को दोनों साइड में एसी यूनिट को लगा देना है। तो इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने जो एसी यूनिट का जो एरिया बनाया था वहाँ पे एक डाउन साइड एरिया था तो उसके ऊपर ही एसी यूनिट बिठाने के कारण से एक अच्छा सा स्टाइलिश लुक आ रहा है। वैसे डायरेक्ट ऊपर लगा देते तो एक बेकार लुक आता, इसीलिए वैसा मैंने बताया है। इसके बाद हम लोग नीचे के और डिटेलिंग में डुबकी मारते हैं, मतलब कि गहराई में डिटेलिंग को करते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाए हैं, एक सिलेंडर बनाया है। ये सिलेंडर मैंने पेपर रोल से बनाया है जिसका डायमीटर है 6 mm और लेंथ है 1.5 mm। और इस तरह के मैंने स्क्वायर शेप के बॉक्सेस बनाए हैं जो पूरे के पूरे माउंट बोर्ड से ही बनाया है। इसके बाद कुछ इस तरह के बॉक्सेस है, दो दो के पीसेस में आप लोगों को बना लेना है क्योंकि एक साइड में लगेगा फिर कोच के दूसरे साइड में भी होगा। तो दो दो पेयर्स आप लोगों को बना लेने हैं और इनको मैंने पहले ब्लैक कलर से पेंट किया है। पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको लगा दिया है। तो आप लोग ध्यान से इसके पोजीशंस को देख लीजिए कौन से जगह में किस किस बॉक्स को मैंने लगाया है। और जो हमारा सर्कल सिलेंडर वाला बॉक्स था उसको भी मैंने कोच के बीचों बीच ही लगाया है। तो कुछ इतना ही काम करना रहता है नीचे। अभी गैंगवे का पाइपलाइन बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से ब्लैक पेपर के रोल्स बना लिए हैं जिनको मैंने पेन रिफिल के ऊपर रोल करके बनाया है। इसके बाद कोच का जो डोर्स के नीचे देख सकते हो मैंने स्टेप्स भी बना लिए है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो मॉडल ट्रेन कंपोनेंट्स के नाम से। अभी मैंने जो पाइप बनाए थे उसको मैं इस गैंगवे वाले एरिया में फेविकॉल ग्लू की मदद से सिंपली ऐसे स्टिक कर दूंगा। तो कोच के ऊपर इतना डिटेलिंग का काम करने के बाद आप लोग ज़रा देख लीजिए ये गैंगवे वाला पैसेज कैसा लग रहा है देखने में, रियल लग रहा है या अनरियल लग रहा है, यह मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं कोच के और छोटे मोटे डिटेलिंग्स बना लेता हूँ फिर आप लोगों को कोच दिखाता हूँ। तो डिटेलिंग बनाने के बाद हमारा ICF 3rd AC कोच मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है और मस्त लग रहा है। कोच के नीचे साइड में आप लोग दोनों एंड्स में देख सकते हो मैंने बफर्स और बायो टॉयलेट लगाए हैं। अगर आपको जानना है कि बफर और बायो टॉयलेट कैसे बनाते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है हाउ टू मेक मॉडल ट्रेन कॉम्पोनेंट्स एंड हाउ टू मेक मॉडल ट्रेन बफर्स। तो ये दोनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। और आप लोग जो टॉयलेट कंपार्टमेंट के विंडोज़ देख रहे हो इसको मैंने पेपर के स्क्वायर पीसेस लेके वहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो
तो ओवरऑल आप लोगों को कोच मॉडल का डिटेलिंग कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अभी जो ICF बोगीज़ है इसके दोनों आजू बाजू में स्टेप्स है, इसके कारण से ये ज़्यादा रोटेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि इसको हम लोग स्ट्रेट ट्रैक में चलाएं, क्योंकि ये कर्व ट्रैक में ज़्यादा अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके दोनों आजू बाजू में स्टेयर्स है। इस कारण से ये स्टैटिकली भी रख सकते हैं और स्ट्रेट ट्रैक से आराम से चला भी सकते हैं, और देख सकते हो कोच कितना स्मूथली चल रहा है। इसके बाद हम लोगों का ICF कोच के जितने भी मार्किंग्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, वो सब भी मैंने पेंट ब्रश की मदद से यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है, एक तरफ में हिंदी में और दूसरी तरफ में इंग्लिश में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कोच मॉडल बहुत पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो इसी के साथ साथ एक लाइक भी ज़रूर से दबा दीजिए। और एंड में एक आप लोगों को सैड न्यूज़ देना था। एक बात यह है कि मैं जो यूट्यूब में एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते बाद बाद फ्रीक्वेंटली जो वीडियोस अपलोड करता था, वो हो सकता है कि इस बार वीडियो आने में लेट हो सकता है या फिर कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि मेरे सामने अभी बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और ऊपर से मेरे को मॉडल ट्रेन बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से मेरे जो वीडियोस हफ्ते में आ रहे थे शायद आने में थोड़ा लेट हो सकता है, और जो भी जितना भी बात हो सकता है वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में डिटेल में बताऊंगा कौन सा वीडियो कब आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है। तो एक तरफ से आप लोग ये मत सोचिए कि मैं चैनल में वीडियो डालना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ये चैनल में वीडियो आता रहेगा, ये बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बस थोड़ा कुछ टाइम के लिए वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होता रहेगा। तो उम्मीद है ये बात को आप लोग अपनी तरफ से मैनेज कर लोगे और मेरे बातों को आप लोग समझ रहे हो। इसी के साथ साथ चैनल में आप लोग जो सपोर्ट दिखा रहे हो इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरा यकीन है कि आगे जाके भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट को शो करोगे और इस चैनल के साथ बने रहोगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।